हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं अपने लैपटॉप से कुछ कुछ वीडियो छांट रहा था, कुछ डिलीट कर रहा था, तो मुझे एक वीडियो मिली जो कि लॉकडाउन होने से जस्ट कुछ दिन पहले की है, जिसमें कि मैंने एक व्लॉग बनाया था छोटा सा आपको दिखाने के लिए कि लंदन में अगर आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, कौन सी जगह है, कैसे आप एनरोल कर सकते हैं, किस तरह की क्लासेस होती हैं, कैसी जगह है देखने में, और कैसे कितने बड़े या छोटे पूल्स हैं वहाँ पे, और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए मैंने एक वीडियो शूट किया था, लेकिन मैं कुछ कारणों के चलते उसको डाल नहीं पाया। तो आज मैं आपके लिए वही वीडियो एडिट करने की सोच रहा था, तो एडिट करके मैं आपको वही वाली वीडियो दिखा रहा हूँ। तो आइए मेरे साथ इस जर्नी पे। हाय गाइस, ये मेरी स्विमिंग क्लासेस। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी स्विमिंग क्लासेस में। और जहाँ पे मेरी क्लासेस हैं वो जगह का नाम है स्ट्रैटफर्ड, और स्ट्रैटफर्ड वही है जहाँ पे 2012 के ओलंपिक गेम्स हुए थे। स्ट्रैटफर्ड मेरे घर से 20 मिनट्स की दूरी पे है, और वहां जाने के लिए मुझे DLR ट्रेन लेनी पड़ेगी। और मैं पहुंच गया हूं स्ट्रैटफर्ड स्टेशन। ये यहाँ का सबसे बड़ा शॉपिंग एंड लेजर हब है, और ये एक बहुत बड़ा जंक्शन भी है। यहाँ पे मल्टीपल ट्रेन्स, ट्यूब और DLR लाइन यहाँ पे आती है, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा बस टर्मिनल भी है। और यहाँ मैं अंकिता का वेट कर रहा था, और वो आ गई है मैडम। यहाँ का ये बहुत ही बड़ा फेमस स्ट्रैटफर्ड मॉल है, और वहाँ की ये पार्क के रेस्टोरेंट और शॉप्स हैं। और जैसे ही आपको स्विमिंग करने के बाद बहुत सी भूख लगे तो आप यहाँ पे रेस्टोरेंट्स पे आके मज़े ले सकते हैं। जो लेफ्ट में आप वेव की शेप का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो है लंदन एक्वेटिक सेंटर, और ओलंपिक्स के जो भी स्विमर थे वो यहीं पे अपनी आके प्रैक्टिस और रिहर्सल्स करते थे। और जो सामने देख रहे हैं वो है वेस्ट हैम स्टेडियम, फुटबॉल टीम वेस्ट हैम का मेन होम ग्राउंड। और जस्ट इस स्टेडियम के पीछे है ओलंपिक पार्क, जहाँ पे 2012 के ओलंपिक्स हुए थे। जो आप ये रेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये आर्सेल मित्तल का ऑर्बिट है, जो कि मित्तल स्टील वालों ने बनाया था ओलंपिक्स के टाइम पे। और यहाँ हम पहुंच गए हैं लंदन एक्वेटिक सेंटर पे। जो आप राइट साइड पे मेरे देख रहे हैं ये है प्रोफेशनल स्कूल, जहाँ पे सारे जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं वो आके प्रैक्टिस करते हैं। और जो आप लेफ्ट पे मेरे देख रहे हैं ये है बिगनर स्कूल, यहाँ पे आपको सिखाया जाता है जो बिगनर या इंटरमीडिएट होते हैं उनके लिए है ये पूल। और प्रोफेशनल पूल्स के साथ ही है डाइविंग पूल, जहाँ पे डाइविंग की प्रैक्टिस भी हो सकती है। ये क्या भाई ने एंट्री मारी है। अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं चेंजिंग रूम की तरफ, जहाँ जाके हम चेंज करेंगे। और यहाँ पे मोस्टली तीन तरह के चेंजिंग रूम हैं, मेल, फैमिली एंड यूनिसेक्स। और यहाँ पे लॉकर रूम्स भी होते हैं, यहाँ पे आपको 1 पाउंड का कॉइन डालना होता है एंड देन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जब आपको की वापस करेंगे तो वहाँ से 1 पाउंड आपको रिटर्न मिल जाता है, तो इट्स ऑल ऑटोमेटेड। देखिए यहाँ पे बिगनर पूल भी काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पे शूटिंग करना अलाउड नहीं था, तो मैं आपको मिलता हूँ स्विमिंग क्लासेस के बाद।
जो यहाँ पे स्विमिंग पूल्स होते हैं वो सारे हीटेड होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है सर्दियों में। और यहाँ पे जो हेयर ड्रायर हैं ये सब फ्री होते हैं और हर जगह लगे होते हैं, ताकि आप स्विमिंग करने के बाद इनको यूज़ कर सकें। यहाँ स्विमिंग के अलावा और भी काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि अब हमारे बाद यहाँ पे वाटर योगा की क्लासेस शुरू होने वाली हैं। अब लंदन में लॉकडाउन खुलने वाला है, तो आई एम होपिंग कि ये दोबारा एक्टिविटीज़ खुल जाएंगी और उसके बाद मैं आपको दोबारा यहाँ पे लेके चलूँगा और फुल फ्लेज वीडियो दिखाऊँगा आपको। तो टिल देन गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।